नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित के खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज। जैसलमेर में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा पर मुस्लिम लोगों ने जमकर बरसाए फूल, पेश की सौहार्द की मिसाल। भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर एनआईए ने रेड की। मुंबई में कुल 20 ठिकानों पर एक्शन की खबर। पुतिन आज कर सकते हैं यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। इस बार आरोपों की जद में आए हैं राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के बेटे और जयपुर के युवा कांग्रेसी नेता रोहित जोशी विवादों में फंस गए हैं। मंत्री के बेटे पर दिल्ली में दक्षिणी इलाके में सदर बाजार थाने में एक 0 FIR दर्ज की गई है, जिसमें रोहित पर रेप और ब्लैकमेलिंग के अलावा शारीरिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। मंत्री के बेटे के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली से यह मामला सवाई माधोपुर के महिला थाने को भेजा गया है। पीड़िता ने मंत्री के बेटे के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए सदर थाना पुलिस में धारा 376, 328, 312, 368, 377, 506 और 509 में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मंत्री के बेटे रोहित जोशी ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ कई बार रेप किया। पीड़िता का आरोप है कि जब वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करवा दिया गया, वहीं साथ ही मारपीट कर दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया है। गौरतलब है कि इससे पहले विधायक जौहरी लाल के बेटे पर भी रेप का आरोप लग चुका है। दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम रुकेगा नहीं। फोर्स की कमी के चलते एमसीडी ने इस पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि दिल्ली पुलिस पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कर रही है, लिहाजा शाहीनबाग में एमसीडी का बुलडोजर चलता दिखाई देगा। पहले भी पुलिस सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर 8 मई तक रोक लगा दी गई थी। इससे पहले जानकारी आई थी कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि आज एमसीडी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स नहीं दी जा सकती। दिल्ली पुलिस का कहना था कि साउथ ईस्ट जिला, जिसमें शाहीन बाग आता है, वहां कई और संवेदनशील प्रोग्राम है और वहां फोर्स लगाई गई है, इसके चलते अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स नहीं मिल सकती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस ने फोर्स देने की बात कही है। अब खबर श्रीगंगानगर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी के खुद के कार्यालयों के निर्माण की दिशा में श्रीगंगानगर के भाजपा कार्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 11 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इस कार्यालय का हनुमानगढ़ से वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर श्रीगंगानगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर भी उपस्थित रहेंगे। इस भाजपा कार्यालय को बीकानेर रोड पर ऑर्बिट पैलेस के सामने बनाया गया है। जिलाध्यक्ष आत्माराम तरण ने बताया कि 10 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमान के द्वारा सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से ऊपर के लेवल के कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक को संबोधित भी करेंगे, जिसमें बीकानेर संभाग के साथ साथ आसपास के जिलों के कार्यकर्ता भी आएंगे। आपको बता दें कि लगभग 8,000 लोगों के लिए विशाल पंडाल की तैयारी की गई है। इसके बाद 2 अन्य छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर वहां से हनुमानगढ़ रवाना हो जाएंगे। रात्रि विश्राम हनुमानगढ़ करेंगे और अगले दिन सुबह 10 बजे भाजपा के अलग अलग जिलों में बने 10 कार्यालयों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 4 कार्यालयों का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। गौरतलब है कि 3 जिलों में कार्यालय पहले ही बन चुके हैं। बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा बायतू के भवन का भूमि पूजन के बाद शिलान्यास पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक हरीश चौधरी ने रविवार को बायतू पंचायत समिति परिसर में किया। इस दौरान उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने विषम परिस्थितियों में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। उसके अनुरूप पूर्व की भांति बदले हुए आर्थिक परिवेश के अंदर इस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की आज के समय में जरूरतें हैं। उनको देखते हुए विकेंद्रीय करण व्यवस्थाओं से इस बैंक को लेकर विवाद से गलत व्यवस्थाएं कर रखी है।
भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने रेड की है। मुंबई में कुल 20 ठिकानों पर एक्शन की खबर है। इस दायरे में दाऊद का गुर्गा छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मेनन, इकबाल मिर्ची, दाऊद की बहन हसीना पार्कर से जुड़े लोग और उसके रिश्तेदार शामिल है। दाऊद गैंग के नजदीकी सलीम फ्रूट को पकड़ लिया गया है। टीम ने सलीम के ठिकानों पर भी छापा मारा और उसे पूछताछ के लिए ले जा रही है। एनआईए को किसी बड़े नेता पर हमले का शक है। ये कार्रवाई सीक्रेट रखी गई थी, इसलिए शुरुआत में छापे से जुड़े फोटो वीडियो नहीं मिल सके थे। एनआईए ने बोरीवली, सांताक्रूज, बांद्रा, नागपाड़ा, भिंडी बाजार, गोरेगांव, परेल, मुंब्रा और कोलापुर के 20 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस दौरान मुंबई में कुछ तस्करों, हवाला ऑपरेटर्स, रियल एस्टेट कारोबारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अवैध वसूली से बड़ी रकम उगाहने और उसका इस्तेमाल देश विरोधी कामों में करने के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 9 मई यानी आज ही हिटलर की नाजी सेना को हराया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस दिन की अहमियत को देखते हुए आज ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेनी शहर मारियुपोल में रूसी सेना परेड भी कर सकती है। रूस अब तक यूक्रेन पर हमले को स्पेशल ऑपरेशन बताता रहा है। दूसरी तरफ रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका, G7 देशों और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया है। रूसी अर्थव्यवस्था को झटका देने के लिए मास्को से ऑयल इम्पोर्ट बैन करने की बात कही गई, हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मितेंद्र दर्शन सिंह कोटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में हुई मौतों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि केंद्र सरकार ने मौतों का आंकड़ा कम बताया, लेकिन WHO के मुताबिक देश में 47 लाख लोगों की मौतें हुई है। केंद्र सरकार ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि भारत स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में पिछड़ रहा है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने में विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मौतें हुई तो केंद्र सरकार ने परवाह नहीं की, यहाँ तक कि जब लोग भूख से मर रहे थे तब भी परवाह नहीं की। इसलिए आज केंद्र सरकार के झूठ की पोल खुल गई है। WHO का आंकड़ा आया कोरोना को लेके, जो दो साल जो जिस बदतर तरीके से इस भारत देश के अंदर हमारी जो सरकार द्वारा जो हेल्थ व्यवस्था को लेके जो भी कार्य किए गए उसमें ये सामने आया कि सरकार ने कितने झूठे आंकड़े परोसे कोरोना को लेके। सरकार ने कहा 5 लाख, WHO की रिपोर्ट आती है कि 47 लाख लोगों की भारत देश में मौतें हुई। सबसे बुरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से गंगा में उस समय लाशें बहाई जा रही थी। तो हमारा प्रयास है कि जनता को ये बताना, ये सच से अवगत कराना कि BJP झूठ के अलावा कुछ और नहीं परोसती है। क्यों, अगर हम पहली बात करें, जब महंगाई की भी बात आ रही है तो आप देखिए देश में सबसे पहला नंबर महंगाई में भारत देश का आ गया, देश में सबसे पहला नंबर बेरोजगारी में भारत देश का आ गया है। और जब WHO ने ये बताया कि सबसे ज़्यादा मौतें भारत देश में हुई है तो उसमें भी आप पहले नंबर पर आ गए। जैसलमेर में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर फूल बरसाए। उनके चेहरे पर उत्साह, हाथ में फूल और दिल में सौहार्द की मिसाल के साथ मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों पर पूरी धूमधाम के साथ निकाली गई। इससे वातावरण भी भक्तिमय हो गया। हिंदू मुस्लिम सौहार्द के इस शानदार पहल की लोगों ने जमकर प्रशंसा की। आपको बता दें कि परशुराम महोत्सव के दौरान कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद और हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा के दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों का अभूतपूर्ण स्वागत कर सबका दिल जीत लिया। इस दौरान ब्राह्मण समाज ने कैबिनेट मंत्री का भी स्वागत कर धन्यवाद दिया। और मारवाड़ राजस्थान का भाईचारा और प्रेम जो है ये सदियों से बना हुआ है, हमारा बना हुआ नहीं है, हमारे उन पीढ़ियों का बनाया हुआ है जिन्होंने इस प्रकार का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर दिया है। आज बड़ा अच्छा लगा, पिछली बार भी जब जयंती हुई थी इसी प्रकार का उनका स्वागत किया गया था। और किसी भी समाज की जब समान रैली निकलती है तो सभी लोग मिलकर स्वागत करते हैं, इसलिए ये भाईचारा संदेश बनना रहना चाहिए, अपनाएं जो होती है अपनाएं हमेशा रहनी चाहिए। लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि हमारे जैसलमेर और खासतौर मारवाड़ का जो एक भाईचारा होता है, जो कुछ लोग दरारें जो पैदा करना चाहते हैं उन लोगों की बातों में न आकर के जो हमारे बुजुर्गों ने जो रास्ता अपनाया है सबको साथ लेके चलने का वो रास्ता अपनाया। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।